हाय, आई एम नीलू एंड आई एम ए साइकेट्रिक काउंसलर। आज हम बात करेंगे सोरायसिस की। स्किन पर लाल उभरने वाले चकते और खुजली, क्या सोरायसिस के सिम्टम्स हैं? स्किन के सेल्स 10 गुना तेजी से बढ़ने लगते हैं। सेल्स की ग्रोथ तेज होने का कारण स्किन पर लाल पैच जैसे उभार दिखने लगते हैं। ये खासतौर पर कोहनी, घुटने, लोअर बैक वाली पार्ट्स में ज्यादा असर दिखाते हैं। जब भी शरीर पर लाल चकते दिखें और खुजली हो तो उसे अनदेखा ना करें। लोग इसे इंफेक्शन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ये सोरायसिस के लक्षण हो सकते हैं। इस बीमारी में स्किन पर एक लाल रंग की मोटी परत बन जाती है और सूजन भी महसूस होती है। इसका असर कोहनी के बाहरी हिस्से और घुटने पर ज्यादा देखा जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर होने पर ये रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये छूने से नहीं फैलता है। सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है। हमारी स्किन पुराने सेल्स को बदलने के लिए और न्यू सेल्स का निर्माण करने में लगभग 28 दिन का समय लेती है, लेकिन सोरायसिस से पीड़ित लोगों की स्किन सिर्फ 4 से 5 दिनों में न्यू सेल्स का उत्पादन करती है, जिससे सेल्स का जमना स्टार्ट हो जाता है और जिसका कारण स्किन पर लाल, शुष्क और खुजली वाले पैच बनने लगते हैं। जोड़ों पर भी इफेक्ट डालता है, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है। तो हो गया कि सोरायसिस किसे कहते हैं और हम कैसे पहचाने कि ये सोरायसिस है। इसका इफेक्ट हमारी डेली लाइफ पे क्या पड़ता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। सोरायसिस होने से हमें कहीं आने जाने में प्रॉब्लम होती है और जब ये समस्या प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है तो खुद बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आखिर इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? क्या ये ठीक होने वाली बीमारी है? इसे ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, इसे बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, बट इसका ट्रीटमेंट एक लंबे टाइम तक चलता है। हम क्या क्या बदलाव करके इस बीमारी को कम कर सकते हैं? पूरक आहार ले। नेशनल सोरायसिस फाउंडेशन के अनुसार मछली का तेल, विटामिन डी, मिल्क, एलोवेरा, अंगूर जैसे पूरक आहार लेने से सोरायसिस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। स्किन को ड्राई होने से रोकें। सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को चाहिए कि वो मॉइस्चराइजर का यूज करें जिससे उनकी स्किन कोमल रहे। इस सुगंध से बचें। सुगंधित साबुन और परफ्यूम में मौजूद केमिकल और डाई आपकी स्किन में जलन पैदा कर सकती है। ये सोरायसिस के सिम्टम्स को बढ़ाते हैं। शरीर को पानी में भिगोएं। गुनगुने पानी में सेंधा नमक, दूध और जैतून का तेल डालकर नहाने से सोरायसिस में होने वाली खुजली से काफी हद तक राहत मिलती है। शराब के सेवन से बचें। जो लोग हर वीक 5 लीटर नॉन लाइट बियर पीते हैं उनमें सोरायसिस बढ़ने की संभावना दोगुनी हो जाती है। तनाव कम करें। जो लोग सोरायसिस से पीड़ित होते हैं वह कहीं ना कहीं तनाव से ग्रसित हो जाते हैं। तनाव यानी कि टेंशन ज्यादा लेने से ये भी बीमारी और ज्यादा बढ़ती है और से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। लाइट थेरेपी। डॉक्टर की देखरेख में मरीज के स्किन पर पैराबैंगनी किरणें डाली जाती हैं। ये लाइट स्किन सेल्स की ग्रोथ को धीमा करता है। लाइट थेरेपी सोरायसिस से राहत पहुंचाती है। धूम्रपान से बचें। स्मोकिंग और तंबाकू के सेवन से सोरायसिस का खतरा बढ़ सकता है, तो आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो आप इसे कम करें और जितना आप इसे कम कर पाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होगा। किसी भी बीमारी का सही इलाज ये है कि आप कुछ प्रिकॉशन लेके चलें कि उसके क्या क्या करने से ये चीजें बढ़ रही हैं, उन चीजों को आपको ठीक करना होगा। अगर आपको सोरायसिस के बारे में जानकारी नहीं है और आपके स्किन पे कोई भी इंफेक्शन होता है तो आप अपना ट्रीटमेंट ना शुरू करें, बल्कि पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि वो डॉक्टर उसे देखकर बहुत आसानी से पहचान जाएंगे कि वो इन्फेक्शन है या फिर सोरायसिस, जिससे जितनी जल्दी बीमारी पकड़ाएगी उतना सही इलाज आपका हो पाएगा और उतनी जल्दी बीमारी से आप छुटकारा पाएंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप तनाव से दूर रहें। कोई भी बीमारी टेंशन लेने से बढ़ती है, घटती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तनाव से दूर रहें। तनाव से दूर रहना इतना आसान नहीं है, बट हम हर चीज हम पॉजिटिव वे में अगर सोचते हैं कि एक्चुअली होता क्या है कि हम हर चीजों को निगेटिव वे में लेके चले जाते हैं। अगर हम बीमार होते हैं, अगर आपको सोरायसिस है और अगर आप उसकी निगेटिव पॉइंट के बारे में सोचेंगे तो आपका तनाव लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा, टेंशन लेवल उतना ज्यादा बढ़ेगा, जिसके कारण आपको स्ट्रेस होगा और आपको सोरायसिस में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सोरायसिस की बीमारी आपकी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि जितना हो स्ट्रेस ना ले, हेल्दी डाइट ले, अपना ध्यान रखें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर जो
मेडिसिन बताएं वो सारी चीज़ों को लें, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो जो प्रिकॉशन लेके चलना है जो आप अपनाएं, और बहुत जल्द आप इस बीमारी से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ